छठ पूजा एक इत्थे अपना जिहड़े महल्ले दे जिहड़े प्रवासी लोग रहिंदे आ उन्हां ने एक संस्था बनाई है जय छठी मैया क्लब, जिन्हां वल्लों 13वां छठी मैया दा जिहड़ा महाउत्सव मनाया जा रहा है। ये हर साल बड़ी धूमधाम नाल मनाते हैं। सोहन लाल जी खड़े हैं, बाकी इन्हां दी टीम है जिहड़ी कि बहुत वधिया तुहाडे सामने इंतजाम करदे आ। ये मुंडे मेरे ख्याल नाल 4-5 दिन हो गए इन्हां ने लग्गिया नूं, ते अज तुहाडे सामने जिहड़ी उरे संगत है। किन्ने दिन चलदी है ये पूजा? तो एक दिन की है, सवेरे यानी कि पूरी होगी पूजा जिहड़ी है। वैसे तो 3-4 दिन की होंगी है, लेकिन 2 दिन से समाप्ति हो जाती है। तो लोग बड़े उत्साह प्रोग्राम मना रहे हैं। लास्ट वाले दिन की करते हैं? ये सूर्य देवता जी को जल अर्पण करके छठी मैया की पूजा करके अपने घरों चले जाते हैं। जय छठी मैया, जय छठी मैया। छठी मैया की मानता है कि असं सूर्य की आराधना करते, सूर्य देव की पूजा करते हैं जी। इन्ह के 3 दिन की पूजा होंगी जी। अज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन, कल समाप्ति है जी। सूर्य दे उगदे उन्होंने नमस्कार करते, जल आराधना करके उन्होंने असी पूरा पूजा समाप्ति करते हैं जी। जिहड़े जल दे विच खड़दियां औरतां ते आदमी क्या है, उहदे की मानता है? ये बस इवें परंपरा जी, साढ़े हिंदू जो देवी देवता हिंदू परमात्मा जी परंपरा चलती आ रही है शुरू से, यही कुछ चलते हैं। वर्त भी रखे जाते हैं? बिल्कुल जी, 3 दिन के वर्त होंगे जी। 3 दिन यानी जो भी छठ पूजा करते हैं इन्हों 3 दिन बाद कल समाप्ति, कल कुछ खाण के पीने, 3 दिन कुछ नहीं खाना पीना, पानी तक भी नहीं लेना। लक्ष्मी देवी। ये जो छठ पूजा मनाते हैं क्या है इसका महत्व, क्या है इसका? सूरज भगवान का है। क्या करते हैं इसमें? सूरज भगवान के अर्घ देता है। कितने दिन की पूजा होती है जी? 4 दिन का होता है। अच्छा, जैसे पानी में जल में जो औरतें खड़ी हुई हैं उनके हाथ में क्या क्या है, क्या है उसका? उसके अरदास करते हैं, सूर्य देवता का। क्या नाम आपका? निशा। इसे जो छठ पूजा है इसका क्या है, महत्व क्या है इसका? सूर्य भगवान का आराधना की जाती है। अच्छा, जैसे इसमें कुछ ऐसा भी है कि किसी के लड़का नहीं होता या धन के लिए भी कुछ, क्या क्या करते हैं? मन्नतें पूरे होते हैं और शाम को डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है और सुबह में उगते हुए सूर्य का आवाहन किया जाता है। व्रत भी किया जाता है इसमें? हाँ, कितने जो महिलाएं या पुरुष कोई भी होते हैं वो 36 घंटा उपवास रखते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे ये टोकरियों में जो सामान है ये कौन देता है, क्या है इसका? अपने घर से ही सब लोग लाते हैं, जो भी फल फ्रूट रहता है जो बना सकते हैं, हर तरह का होता है फल। कोई दान दून भी करते हैं इसमें? हाँ करते हैं, जिसको भी अपना श्रद्धा होता है करने का। अच्छा, एक एक और चीज देखने को मिलती है जहाँ भी ये चलता है, कुछ औरतें मुंह ढक कर बैठती हैं एक साइड पे, उसका क्या है? कैसे मुंह ढक के नहीं? ये साल में कितनी बार आता है? ये साल में 2 बार आता है। अच्छा। एक चैत मास में आता है और ये कार्तिक मास का है। एक नाक से लेकर ऊपर तक संदूर लगा है और ये छोटी, ये दोनों बार चार दिन चलता है जी। जी, फर्स्ट दिन नहाई खाई होता है, उसमें चावल और चने की दाल और घिया की सब्जी बनते हैं। एक ये दिखाना, लाल साड़ी लगाए नाक पे एक संदूर तौर तक लगाया, उसके बारे में बताओ। मैं मेंबरों को बेनती करता कि एमएलए साहब का स्वागत करते हुए उन्होंने जो साथी आए हैं
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।